आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की क्राइम खबर। हाथी के दांत बेचने आए दो तस्कर हुए गिरफ्तार। थाने पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत अपराध शाखा 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोटगे को गुप्त सूचना मिली कि थाने शहर में कुछ युवक हाथी के दांत बेचने के लिए आने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर घोटगे की टीम ने जाल बिछाकर दांत के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। सेट के अंतर्गत एक क्राइम ब्रांच आता है जिसका यूनिट है 5, जहां हम देख रहे हैं यूनिट 5 के अंतर्गत कार्यरत जो सहायक पुलिस निरीक्षक भूषण शिंदे और उनके सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोटगे साहब को एक गुप्त जानकारी मिली थी कि कोई दो आदमी जिनके पास गैर कानूनी तरीके से हस्तिदंत पाए जाने की आशंका है वे आने वाले हैं। वे गैर कानूनी तरीके से या प्रायोजनिक कुछ वाणिज्यिक प्रयोजन के हेतु से वहाँ खड़े हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस तरह की एक गुप्त जानकारी मिलने के बाद एक ट्रैप का प्लान किया गया जिसमें वन अधिकारियों के विचार विमर्श के और सहयोग के द्वारा ये प्लान किया गया है और आनंद नगर चेक नाके के बाजू में जो सर्विस रोड है वहाँ ये दो गिरोह पाए गए हैं और जिसमें से कुछ चीज़ें बरामद की गई है जो आपके सामने दिखाई दिए। हस्तिदंत है जिनका बाजार मूल्य अभी 1.5 करोड़ के आसपास है। जब उनकी पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया, कब्जे में लिया गया, तो उसके पास जो जानकारी मिली, कुछ मोबाइल मिले, आधार कार्ड मिले और जानकारी के तहत उनके जो नाम सामने आए हैं वे है मोहम्मद रफ़ी इब्राहिम सैयद, जिनकी उम्र लगभग 41 साल है। वे तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। गाँव है बेनगुर, कृष्णगिरी जिले में दिनकनी कोटाई नाम का तालुका है, वहाँ वे रहते हैं। दूसरा जो साथीदार है उनका रहीम बादशाह खान, जिनकी उम्र है 35 साल, अंधेरी पश्चिम में रहता है। और दोनों के पूछताछ के बाद कुछ बातें सामने आई जिनमें से मैं बताना चाहूँगा। रफीक नाम का और एक एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड है जिनकी छानबीन चालू है, जिनकी खोज चालू है। ये जो पूरी कार्रवाई की है ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 49, A, 50 और 51 की तरह की गई है। ये आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेशी करने के बाद न्यायालय ने 6 मई तक पुलिस कस्टडी रिमांड सैंक्शन की है। और ये जो दो हस्तिदंत आपके सामने रखे हुए हैं ये आइवरी कहा जाता है, इनका 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बाजार मूल्य है। ये हिरासत में लिया गया है और पुलिस यानी कि स्पेशली क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के भूषण शिंदे ये इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। और ये जो पूरा चैनल है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ, इसके पीछे कोई वाणिज्यिक प्रयोजन है या नहीं, इसकी छानबीन अभी तक हम कर रहे हैं।